गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने सहित कानून व्यवस्था, कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम, प्रणाली प्रबंधन तथा एनजीटी के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किए जाने की समीक्षा। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश, कहा किसी भी हालत में न जले खेतों में पराली। गोरखपुर पहुंचे डीजी रेलवे ने किया जीआरपी पुलिस ऑफिस के साथ पुलिस लाइन का निरीक्षण, शस्त्रागार कार्रवाई रजिस्टर की जांच, गोष्ठी कर पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कहा महिला यात्रियों की सुरक्षा पर दिए जाए विशेष ध्यान। संभागीय परिवहन विभाग के तत्वाधान में बुधवार को तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ शुभारंभ। बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा यातायात नियमों का करे पालन, जागरूकता से आएगी वाहन दुर्घटना में कमी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी रेलवे ने कहा कोरोना काल के दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले श्रमिक ट्रेनों के यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में जीआरपी ने किया सराहनीय कार्य, दी बधाई। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर गोरखनाथ मंदिर स्थित भीम सरोवर पर छठी महिलाओं की पूजा के लिए तैयारी पूरी। मंदिर के कार्यालय सचिव ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगी पूजा, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम विकास एवं पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा। सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन के कार्यों को 25 दिसंबर तक पूरा करने के दिए निर्देश। छठ पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर एडीएम सिटी एसपी सिटी ने किया राप्ती तट पर बने छठ घाटों का निरीक्षण, साफ सफाई के दिए निर्देश। चार दिनों का छठ पर्व महापर्व शुरू होने के पश्चात खरीदारी करने को निकलने के कारण पूरे दिन महानगर के लोगों को जाम का करना पड़ा सामना। जाम से निजात दिलाने में जुटी रही यातायात पुलिस, नियमों का उल्लंघन करने वाले गाड़ियों के काटे चालान। छठ महापर्व हुआ शुरू, व्रती महिलाएं शुक्रवार की शाम को और शनिवार की सुबह नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों के किनारे जाकर भगवान सूर्य को देंगे अर्घ्य। सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित भारी संख्या में पुलिस बल की रहेगी तैनाती, ड्रोन कैमरे से भी की जाएगी निगरानी। गोरखपुर में बुधवार को मिले 41 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,632। अब तक 315 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 363 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का किया गया गठन। पदाधिकारियों ने अपने 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आगामी 23 तारीख से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का किया ऐलान। और छठ पर्व के अवसर पर महानगर में सजी फल और पूजा सामग्रियों की दुकानें, लोगों ने की जमकर खरीदारी, दुकानदारों ने कहा बेहतर बिक्री की है उम्मीद।